गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। तब निया का लंच बॉक्स तैयार करने आई हूँ और उधर देखिए अलार्म बज रही है, ये लोग उठे नहीं हैं अभी। तो बस अभी थोड़ी देर का ही ब्रेक होता है, मतलब अभी बहुत कम टाइम के लिए स्कूल जाते हैं ना। स्कूल चले जाते हैं 7:45 तक, आते हैं 11:30 तक, तो 15 मिनट का ही ब्रेक होता है। खाने का इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें नहीं देती हूँ। आलू पराठे एक एक दोनों को दूंगी, ग्रेप्स है, और ये आम पापड़ इन लोगों को बहुत पसंद है, तो थोड़ा कुछ मीठा रख देती हूँ ऐसे ही टिफिन में, अच्छा लगता है इन लोगों को खाने में। तो बस यही है, पैक कर लेती हूँ अभी। साथ में इन लोगों को सॉस वगैरह लेना पसंद नहीं, ऐसे ही आलू पराठा खा लेते हैं। और इधर मैंने अपने लिए ABC जूस तैयार कर लिया। ये देखिए लंच बॉक्सेस भी इन लोगों ने तोड़ लिया, ये भी लेना पड़ेगा मुझे, दोनों ने एक्चुअली तोड़ लिया है। अभी मैं इंडिया से लेके आई थी, ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है, दोनों ने तोड़ लिया अपना अपना। सो गाइस देखिए इनको आराम से बैठ के ये तो काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे। मेरी हालत ये हुई है कि मैं अपना लैपटॉप भी नहीं खोल सकती हूँ। आज हमारी बिल्डिंग में कुछ घरों के लाइट्स ना सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बंद है, और परसों भी बंद रहेगा, तो बताइए कैसे काम चलेगा। चूल्हा भी हमने लाइटर से जलाया और मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। मैंने आज वीडियो भी एडिट करके नहीं डाला, जबकि आज मुझे वीडियो एडिट करके डालना था सैटरडे वाली, वो भी नहीं हो पाया। कुछ नहीं, मोबाइल भी बहुत कम चार्ज है, बंद हो जाएगी, तो मैंने सोचा अभी आपको क्लिप दिखा देती हूँ। नवनिया अभी एकदम गर्मी से परेशान, इनको भी देखिए हालत, गर्मी से एकदम परेशान। हमने बालकनी खोला था बट बहुत वो पे काम चल रहा है ना, बहुत आवाज़ आ रही है, फिर अभी बंद कर दिया। इनका तो नया लैपटॉप है, बैटरी बैकअप अच्छा है। मैंने थोड़ी देर काम किया, आधे घंटे में सुबह ही बंद हो गया 10 बजे के करीब। तो क्यों नहीं हो पा रहा है बताओ काम, मेरा किसकी गलती है, क्या हुआ? इनको नोटिस ना बिल्डिंग से आ गई थी 3-4 दिन पहले, इन्होंने बताया नहीं था। जब लाइट कट गई तब इन्होंने मेल चेक किया कि ऐसा क्यों हो रहा, बहुत देर से नहीं है, तब पता चला, तभी देखते ही नहीं है। हाँ बोलो कुछ, गर्मी से हैरान परेशान। उसमें नोटिस में भी ठीक से लिखा हुआ नहीं हाँ था। ठीक से लिखा नहीं हुआ था कितने देर, मतलब ये पता था टाइम टाइम लिखा हुआ था, बट ये नहीं कि आपके घर के अंदर का। उसमें लिखा हुआ था लिफ्ट का मेंटेनेंस का काम चल रहा उसमें है। लिख दिया योर प्रीमाइसेस, उसके बाद एरिया दिखा दिया लिफ्ट हाँ का एरिया, ऐसा तो लगा लिफ्ट बंद रहेगा। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक लाइट नहीं रहेगी, एसी नहीं इतनी रहेगी, गर्मी कुछ में। भी नहीं रहेगा, फ्रिज का जितना चीज़ें सब खराब हो गया है, ये सब बेवकूफ़ी है। दुबई में ये एक्सपेक्टेड नहीं है किसी भी मेंटेनेंस की कंपनी से। ये एक मेंटेनेंस तो ये एक्चुअली सीपीआई बिल्डिंग, ने, हाँ बिल्डिंग ने दे सीपीआई दिया ने बिल्डिंग का ना, मेंटेनेंस किसी और को दे दिया। लेबर कॉस्ट बचाने के लिए शायद उन्होंने उन्होंने शायद एक दिन का लेबर कॉस्ट बचाने के लिए ही एक दिन में ये प्लान किया। और 2 घंटे ऐसे 3 घंटे ठीक है, 3 घंटे के लिए आप लाइट बंद करो, बट सुबह से लेकर शाम तक आपने इतनी गर्मी में, अभी जब बहुत गर्मी नहीं, बहुत गर्मी रहती तो और हालत खराब होती, इतना लाइट बंद कर दिया है, AC नहीं चल रही है, फ्रीजर का सामान खराब, फ्रिज का सामान खराब, ये तो बहुत गलत चीज है। जिसका घर से काम हो रहा है, लैपटॉप डिस्चार्ज, मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, ये मैंने ये भी बोला उनको कि भाई आप लोग इतनी बड़ी मेंटेनेंस कंपनी हो और ये कोई छोटा मोटा मैटर थोड़े ना है, कि क्योंकि हर वीक में कुछ ना कुछ ईमेल भेज रहा है, आज पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, आज स्विमिंग पूल क्लीन हो रहा है, तो कल ग्लास क्लीन हो रहा है, तो ऐसी 50 तरह की चीज़ें जो है वो भेजते रहते हैं। तो हमने बोला कि जब आपने ये भेजा तो क्लियर लिखना चाहिए था इस पे कि यानी कि आपके फ्लैट नंबर ये का आपके घर का बिजली नहीं रहेगा, आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, या फिर अगर इस बिल्डिंग से 20 फ्लैट्स की वो लाइट जाने वाली है सुबह 9 to 5, उनको बता के उनसे एक डेट तय करके करना चाहिए था अग्रीमेंट, बट कुछ भी नहीं। सीधा 15 तारीख को आया है मेल शाम में कि 18 तारीख से नहीं रहेगा, और मैंने सोचा कि वो, और साथ में लिफ्ट एरिया भी दिया हुआ, लिफ्ट एरिया जो है एक दो बंद रहेगा, तो लिफ्ट एरिया के तो पास हमारा लाइट नहीं ध्यान यही रहेगा। गया, RMF ने यही सोच के मुझे नहीं बताया कि जो लिफ्ट में बंद रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे ऐसा कौन करता है सुबह से लेकर शाम तक लाइट ऑफ इतनी है, गर्मी में, कोई पता नहीं लाइट करता है। बंद, AC बंद, सब कुछ बंद। और और ये सोचो रमादान का टाइम है, लोगों को घर में गर्मी में प्यास लगे, ये लगे, कितना मतलब वो चीज है कि एकदम AC वैसी सब बंद करके रख दिया है। जिन मैंने लोगों सिर्फ का उनको इतना ही रोजा बोला होगा, बोला कि आपको अलर्ट करके सब्जेक्ट में भेजना चाहिए, और छोटी बात तो है नहीं। हाँ मैंने उनको बोला कि अपने ऑफिस का आप लाइट बंद कर दीजिए, AC फ्रिज जो भी है आपके पास, जो भी है आपके पास, पानी की सुविधा ले रहे हो कुछ भी, सब बंद कर दीजिए, और आपको लगता है कि आप उसमें रह लीजिएगा तो ये तो बेवकूफ़ी नहीं। है। 2 घंटे 3 घंटे ठीक है, आप किसी बिल्डिंग का 3 घंटे बंद करो उतना भी चल जाएगा, बट बताओ हमारे पास वाटर डिस्पेंसर का वो खत्म हो गया, वो चार्ज वाला, और फ्रिज नहीं चल रहा है, चूल्हा हमने तो चलो लाइटर से जला देने, तो खाना भी आज नहीं बनता, तो वो तो लाइटर से जला लिया,
और बाकी ये क्या कहते हैं लैपटॉप बंद है, अनिमेश का भी थोड़ा ये बैटरी बचा होगा, शाम हो गई है काम कर हाँ रहा। मेरा तो पूरा ही बंद हो गया क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई, मोबाइल में मेरा बंद ही होने वाला है मोबाइल, पावर बैंक भी इतना चार्ज नहीं था। तो बताइए क्या करें, अभी बच्चे भी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, पानी का भी वो नहीं तो नीचे से गैलन खरीद कर लेके आओ, इतना भी पानी नहीं है। तो ये सब चीज फिर ठीक नहीं है ना, इतने इतने देर के लिए लाइट इतनी गर्मी में बंद कर देना। ऐसा नहीं है कि रेंट सस्ता है, तब इतना महंगा है, हाईफाई पहले ऐसा नहीं होता था, इतने साल से हम लोग रह रहे हैं इतना तो नहीं हुआ। ये जैसे जैसे नई कंपनी को ये लोग दे रहे हैं ना मेंटेनेंस का, वो सबका अपना अपना वो कर रहे हैं, वो लेबर कॉस्ट बचाने के लिए कि दो घंटे काम करवाएंगे तो पूरा पैसा देना पड़ेगा ना, तो पांच बजे तक काम करवा लो लेबर कॉस्ट बचाने के लिए, और फिर सबका बंद कर दो, और सारे लोगों का नहीं बंद है। नव ने बहुत सुंदर गाड़ी बनाई है, नव एकदम सीख रहा है ड्राइंग अभी। मिनी कूपर कार है, मिनी कूपर बनाया उसने, वाओ वेरी नाइस। लैम्बोर्गिनी भी बना दो, वो भी बना दो। अभी क्या है ना इस बिल्डिंग में ना सबका लाइट नहीं गई है, सबकी जाती ना तो सब हंगामा कर देते, कुछ कुछ घर की गई है जिसमें से एक हमारा घर भी है, हर फ्लोर के चार चार ना, इसलिए कुछ लोगों को ही हो रही है परेशानी, बाकी लोगों को इतना पता नहीं चल रहा है। सही बात है। पहली लाइट आ गई वही करीब 4:30 बजे आई, 5 बजे का टाइम था पर 4:30 बजे आई, बट दिन भर गायब थी लाइट, बहुत प्रॉब्लम है। अभी जाके थोड़ी देर पहले वीडियो एडिट करके डाला है सैटरडे वाली, मैंने बर्थडे वाली जो हम लोग गए थे बर्थडे में, और अभी जा रही डॉक्टर के पास, ये डॉक्टर जो मेरा हुआ था उसके रिपोर्ट्स आ गए हैं, साथ में लिपिड प्रोफाइल वाले रिपोर्ट्स आपको दिखाऊँ, सारा देखिए रेड फ्लैग है सब में, तो ये दिखाने जा रही हूँ बस। चलो फिर मिलती हूँ। ये बिल्डिंग है तो बहुत सुंदर, लाइट्स वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए हैं, लेकिन वही है इसके पास में ग्रेवयार्ड है तो फिर वैसे तो लोग रहते ही होंगे, बट हम तो नींद ही नहीं आएगी। हॉस्पिटल पूरा सजा हुआ रमजान के लिए, हो गया दिखा लिया मैंने डॉक्टर से, तुरंत देख लिया डॉक्टर ने, और ये लोग बोल रहे हैं कुछ खरीदना है इनको। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। कल ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, कल हमारे घर पे पावर कट था जैसा कि मैंने आपको बताया, और आज तो चलो है, कल फिर लाइट और पानी दोनों जाने वाली है, बाप रे। कल फिर मैं पता नहीं वीडियो कब अपलोड करूंगी और बनाऊंगी भी कि नहीं वीडियो मालूम नहीं, तो कल लाइट भी नहीं रहेगी और पानी भी नहीं रहेगी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। एक कल तो लाइट नहीं थी सुबह से लेकर शाम तक, अब कल लाइट पानी दोनों बंद, कैसे काम होगा पता नहीं, वॉशरूम कैसे हम लोग जाएंगे। मैसेज हाँ ऐसा है बट मैसेजेस क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं लिखते हैं, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो मैसेजेस है ना ये एक अलार्म है, अलार्म की तरह बोलना चाहिए, एकदम डेंजर का साइन बना के कि सुबह से शाम तक लाइट, ये बड़ी बात है ना, सुबह से शाम तक लाइट नहीं है, मतलब कितना इंटरनेट बंद, लाइट नहीं, गर्मी लग रही है, लैपटॉप बंद हमारा क्योंकि चार्ज नहीं हो रहा है, तो बहुत मतलब ये है ना कि गर्मी में आप कैसे रहोगे, फ्रिज बंद इतने देर तक तो कैसे क्या होगा, पानी भी कल बंद है तो फिर कैसे होगा। कल और परसों दोनों दिन, कल लाइट और पानी बंद है हमारा और परसों सिर्फ पानी, तो ये बहुत मुश्किल है। रमेश बोल रहे हैं कि ऐसा अभी क्यों करना था, क्योंकि आप लोगों के साथ हमने एक बात नहीं शेयर की है, हम लोग जा रहे हैं इंडिया, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, बहुत पहले की जाने का प्लान है, मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी जैसा कि आपको मैंने बताया था, बट इनको जाना था 10 से 12 दिनों के लिए, इनकी मीटिंग वगैरह है वहां पे, तो अभी मेरी तबीयत खराब है जैसा कि आप सबको पता है, और नवनिया की भी छुट्टी हो रही है, 23rd से ना स्टार्ट है, हाँ 23rd से ये स्टार्ट है, तो फिर 15 दिन की छुट्टी, ईद की भी छुट्टी साथ में ही आ रही, तो बड़ी छुट्टी है, लंबी छुट्टी, तो क्या करूंगी मैं दोनों बच्चों के साथ यहाँ पे, और तबीयत खराब है तो अगर ज्यादा तबीयत खराब हो गई बीच में तो फिर अनिमेश भी वहां रहेंगे, इनको भी स्ट्रेस बना रहेगा, यहाँ पे मुझे भी फिर रहेगा, इस कारण से मैंने डिसाइड किया चलो चलते हैं। एक चीज है कि वहां पे मेरे साथ एक लड़की रहती थी जिसको आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, उसकी शादी हो गई है तो वो नहीं रहेगी, तो थोड़ा ये है कि एक रहता था कि कोई है चलो साथ में तो बाहर निकल गए या कुछ भी आसान रहता, बाकी वहाँ पे जो भी लोग हैं तो सब अपना अपना अपने अपनी चीजों में बिजी रहते। वो थी जो नवनिया के साथ खेलती थी, तो आजकल मोबाइल के टाइम में ना हम लोग के एज ग्रुप के लोगों या बड़े लोग हो ज्यादा बड़े, वो लोग सब आज की दुनिया मतलब आज के टाइम में सबका मोबाइल ही दुनिया हो गया, तो इन लोग के साथ कोई नहीं रहता खेलने के लिए वहां पे, बट हाँ वो रहती थी तो इन लोग के साथ खेलती थी, टाइम देती थी, ये लोग क्या करते थे स्विमिंग पूल में अपना सारा टॉयज लेके चले जाते थे वही बैठते थे, वो भी साथ में बैठती थी खेलती थी, बट अभी उसकी भी शादी हो गई तो अब तो वो मुश्किल है,
देखते हैं क्या होगा। इन लोगों का मेन मन नहीं लगेगा तो मुझे इस बात की टेंशन हो रही है, क्योंकि ये लोग छोटे थे तो इनका मन लग जाता था, अभी लोग बहुत बोर होने लगे हैं वहाँ। बट अभी भी वो अग्री की है ना कि सुबह से शाम तक आएगी, पता नहीं आएगी कि नहीं, क्योंकि उससे मैंने जब बात किया है ना तो वो थोड़ा उस मोड में थी, नहीं नहीं शादी वाला वो नहीं होता है उस टाइप के मोड, मुझे नहीं लग रहा है कि वो अभी आके और इतना उसका वो रहेगा, अभी नहीं नहीं शादी वाला वो चीज है ना जो सबको होता है, बाद में पता चलता। अब ये जा रहे हैं, मतलब कोई आए हुए हैं उनके साथ डिनर पे, तो ये लेट से आएंगे, बस मैं नवनिया हम तीनों हैं। और कल हम लोग डॉक्टर से दिखाने गए थे तो मेरा नर्व टेस्ट का रिपोर्ट आ गया जो कि नॉर्मल है, उसमें ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस वो ये लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा खराब है और विटामिन डी एंड बी ट्वेल्व मेरे हिसाब से तो रिपोर्ट में ठीक था, रेड फ्लैग नहीं था, बट डॉक्टर ने बोला नहीं फिर भी कम है। तो और विटामिन डी की मेडिसिन उन्होंने बोला है कि लंबा खाना पड़ेगा, लंबा कभी नहीं छोड़ना है, ऐसा है जब तक जिंदगी है तब तक खाना पड़ेगा, अभी वीक में एक बार और 6 महीने के बाद मंथ में एक बार। तो मैं अभी जा रहा हूँ डिनर प्लस मीटिंग के लिए, कतार की एक कंपनी है उसके सीईओ आए हुए हैं जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है। हमें क्या आपको बिहारी हो ना इसलिए हम निकलता है पहले। ठीक है जाओ आप, चलिए फिर। तो मैं आपसे बात कर रही थी तो वही मैं बता रही थी कि हम लोग जा रहे हैं, ओह हम लोग जा रहे हैं इंडिया, तो वो एनिमेशन आपको बोल रहे सब चार्ज कर लेना आज रात में, पता नहीं वो क्या चार्ज करेगा आज रात में, आज पावर बैंक से लेके हर चीज चार्ज तो कर सकते हो मोबाइल के लिए, बट लैपटॉप कैसे चार्ज करके रखूंगी, मेरा लैपटॉप तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, इतना देर नहीं बैकअप है उसका, अनिमेश का तो नया लैपटॉप है तो चल जाता है सुबह से शाम तक, मेरा नहीं होता, वो बचा बचा के काम करते, मेरी एडिटिंग नहीं हो पाएगी, तो ये चीज है। और यही है कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं अभी 3rd को, और उसके पहले मेरा एक दो चीज का प्लान था, जैसे कि परसों मुझे इसी बिल्डिंग में उनके घर पे जाना था जो हमारे घर पे आया, तो उन्होंने अपने घर पे गेट टुगेदर रखा था सारे लेडीज का, बट वो कैंसिल हो गया, परसों के लिए कैंसिल हो गया क्योंकि परसों भी पानी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। फिर उनका प्लान बना 26 का, तो 26 को हम लोग नहीं है क्योंकि हम लोग 3-4 दिनों के बाद ही जा रहे हैं इंडिया, तो नहीं रहेंगे, तो वो वाला प्लान मेरा कैंसिल ही हो गया जाने का। एक और चीज है, हमें जाना है होली पार्टी में, जो हर साल आप मुझे देखते होंगे यहाँ जाते हैं हम लोग, अनिमेश के कजन है जो यहाँ पे उनके घर पे, तो इस बार भी होली पार्टी, और वो उसी दिन है जिस दिन हमारी फ्लाइट है, तो वो पार्टी मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, वहां पे बहुत मजा आता है, और इसीलिए सेम डे हमारी रात की फ्लाइट है, बट हम लोग जाएंगे वहां पे दिन में, और बट वो पार्टी थोड़ी लेट से स्टार्ट हो रही है, तो देखते हैं कितना टाइम तक रहेंगे, और सबको कुछ ना कुछ बना के लेके आना होता है, पहले तो कम लोग आते थे अभी तो ज्यादा लोग हैं, तो पहले आपने देखा होगा मेरे वीडियोज में मैं रसमलाई या फिर दही बड़े बना के ले जाती थी, तो बहुत बहुत क्वांटिटी में ले जाती थी, बहुत वहां पे मतलब वहां पे सबको बांट भी दिया जाता था जो बच जाता था, तो काफी बड़े बड़े पतीले में बना के ले जाती थी, इस बार ज्यादा लोग हैं और सब लोग कुछ ना कुछ तो ला ही रहे बना के, खाना बहुत हो जाता है, इतना लोग खाते भी नहीं है, होली खेलने के इसमें थोड़ा स्नैक्स खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, इस बार मुझे दही बड़े ही बना के ले जाने क्योंकि सबको पसंद आते हैं मेरे हाथ के, और मुझे डेजर्ट में बनाना है खीर, तो यही दोनों चीज बना के ले जाऊंगी, बट क्वांटिटी थोड़ी कम लेके जाऊंगी, जितना पहले ऐसे ऐसे बनाती थी मतलब उस हिसाब से इतने बड़े पतीले में वो नहीं, क्वांटिटी कम बना के लेके जाऊंगी, तो वो भी बनाना है मुझे, तो यही है, पैकिंग मेरी कुछ भी नहीं हुई है, उस दिन आपने सामान देखा होगा बेड पे निकाल के रखा, वो सब ले जाने वाला सामान नहीं था, वो सब अलवीरा ठीक कर रही थी वो वाला सामान था, तो पैकिंग कुछ भी नहीं हुई है, जा रहे हम लोग 15 दिन के लिए, तो इतना कुछ है नहीं सामान लेके जाने का, बट फिर भी दही नहीं बोलते बोलते भी सामान तो हो ही जाता, बैग्स तो हो ही जाते इतने सारे, तो क्या करेंगे अभी देखते हैं, पैकिंग करूंगी कल शायद कुछ कुछ लेने के लिए जाऊं मैं और अनिमेश जब बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे भी तो बहुत कम टाइम के लिए स्कूल जाते हैं, बट सुबह हम लोग जाए जब लाइट कट जाएगी और जब पानी बंद हो जाएगा तब हम दोनों निकलेंगे। तो यही आप लोगों को बताना था कि 2 से 3 दिनों के बाद हम लोग इंडिया जा रहे हैं होली में, और फिर वही अनिमेश का मीटिंग है और नवनिया की यहाँ लंबी छुट्टी है अभी, तो बस हम लोग वहीं रहेंगे, ये चीज है। अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती और इतना मुझे जैसे कि इस पार्ट में दर्द होता है या हेडेक वगैरह होता है या फिर और भी तबीयत मतलब इधर खराब नहीं है ना, ये सभी प्रॉब्लम हो गई, तो मैं इस बार शायद नहीं जाती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हर बार मैं इंडिया जाती थी इतनी खुशी के साथ, इतनी एक्साइटेड रहती थी, इस बार मुझे वैसी वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, मैंने तो इनफैक्ट अनिमेश को कल भी बोला कि छोड़ दो मेरा प्लान कैंसिल कर दो, तो
अब तो टिकट्स ले लिया है, फिर वो भी पैसे बहुत बर्बाद हो जाएंगे। अदरवाइज मेरा इस बार पता नहीं क्यों अंदर से ही नहीं मन हो रहा है जाने का। हर बार होता था एकदम खुशी खुशी, इस बार बस मैं अनिमेश को कहते ना सपोर्ट करने के लिए, उनके वजह से जा रही हूँ, क्योंकि वो अपनी मीटिंग कर ले और उनके दिमाग में ये प्रेशर नहीं होगी, सो उनको ये ना लगे कि मेरे बीवी बच्चे वहां पे कैसे होंगे, कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये हर टाइम उनके दिमाग में नहीं चले, वो फ्री होके अपनी मीटिंग्स वगैरह कर सके। तो बस इस बार मैं उनके सपोर्ट के लिए जा रही हूँ, यही समझ लीजिए, अदरवाइज मेरा इतना मन नहीं था। तो पता नहीं क्यों इतनी खुशी नहीं हो रही है, अपना देश है, अपने लोग हैं, सब कुछ है, अपने मम्मी पापा वहां पे, अपनी बहनें सब है वहां पे, बट उस बात की एक्साइटमेंट तो है कि सबसे मिलूंगी, बट थोड़े दिमाग में कुछ कुछ चीजें और भी चलती रहती है। और एक तो ट्रैवल का इतना भागम भाग हो जाता है ना, पूरे 24 आवर्स की ट्रैवल हो जाती है, यहाँ से कहीं और, कहीं से और से कहीं और, फिर बच्चे भी थक जाते हैं, यही जर्नी वाली चीज है ना, और नेक्स्ट डे शायद होली है, तो यही एक बात है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, थोड़ी बहुत एडिटिंग मैं अभी कर लेती हूँ, कल तो पूरे दिन लाइट नहीं रहेगी, बाकी कल सुबह अगर कुछ करती हूँ तो फिर मैं उसकी क्लिप्स ऐड करूंगी। गार्बेज ट्रक ये नब आजकल दिन भर ड्राइंग करता रहता है, कभी मिनी कूपर, कभी कुछ, अभी एक गार्बेज ट्रक बनाया है, गार्बेज ले जाने वाला ट्रक, कुछ हाँ जो कचरा ले जाता है, कुछ दिन भर बनाते रहता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है, सीख जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। और ये देखिए ये मैडम क्या कर रही है इस रूम में, क्या हो रहा है मैडम? ये मैडम की पार्लर है। हाँ? पार्लर कर रही हो, अच्छा उसका स्पा हो रहा है लगता है, स्पा कर रही हो? इसका हेयर डर्टी है तो इसको है ना बांधना नहीं आता है, मुझे आना। कैसे करती हो दिखाओ? ऐसे करती हूँ, शैम्पू ये रहा। कहाँ है शैम्पू? ये, अच्छा ये शैम्पू है, तो शैम्पू डालती हो इसमें? नहीं इसमें डालती हूँ। अच्छा शैम्पू इसमें डाल के वॉश बेसिन में धोती हो इसके बाल को? अच्छा इसके हेयर को वॉश करे तो ऊपर में। अच्छा अब मैं इसके बाल झाड़ रही हूँ। ओके वेरी गुड। मैंने गार्बेज ट्रक बनाया। हम गार्बेज ट्रक देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 9 बज चुके हैं, पावर कट हो गया शाम के 5 बजे तक, तो हम लोग जा रहे हैं डे टू डे, मैं और अनिमेश, बच्चे के स्कूल, 11 बजे उन लोगों को लाने का भी टाइम हो जाएगा, तो जल्दी से चल के आते हैं हम लोग। अनिमेश ने मुझे स्ट्रेप्सिल्स दिया खाने के लिए, दवाई भी दिया है जो इन्होंने खाया नहीं, विटामिन डी जो है 20 है, विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए, विटामिन डी उसका इफेक्ट जो है लंबे समय तक अगर कम रहता है तो इट इज़ मोर डेंजरस। जब लोग बेड पे आते हैं पता चलता है कि बोन से रिलेटेड चीज़ें हो गई हैं, ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तब लोगों को अफसोस लगता है कि एक विटामिन डी गोली खा लेनी चाहिए। ठीक है गाइस मिलती हूँ। जब पावर ही नहीं है तो कैसे लिफ्ट आएगा मुझे ये बताओ, ये ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं क्या? देखते रहो क्या, उस पर कुछ आ ही नहीं रहा है डिस्प्ले पे, वेट वेट कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ आपको पता आएगा, मुझे विश्वास है। विश्वास है, आप देख चुके होंगे काम करते हुए उस दिन, तो फिर इस पे आ रहा है कुछ ना, उस पे आ रहा लिखा हुआ कुछ, वही तो ये आएगा। अब टाइम वेस्ट करो, फिर लवण्या को स्कूल से लाने का टाइम हो जाएगा। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने किया। मैं कर रही हूँ टाइम वेस्ट, तो सीधी से चलो। नहीं उधर वाले लिफ्ट तो छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी, तो छोड़ो। क्यों नहीं जाऊंगी? क्या कर रहे हो इसको? इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, हाँ जब ये सिस्टम काम नहीं कर रहा होता हर फ्लोर पर रुकता है, जो आदमी ऊपर आता है नीचे आता है उसका इंडिकेशन यहाँ आता नहीं है, सो ये है कुछ की प्रेशर। देखो इसको अनुभव बोलते हैं, अनुभव, बी पॉजिटिव ऑलवेज, आएगा कैसे नहीं आएगा। आप पहले से सोच लो कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अच्छा अनिमेश ने देखा होगा ये दोनों बंद है, उस पे नहीं लगा हुआ इसलिए दिमाग लगा रहे थे, मुझे समझा रहे हैं। बट वो अभी लगा है। हाँ वो अभी लगा है, आप समझे। अभी लगा है मतलब उस समय नहीं था। कब नहीं था? जब नब मिया को छोड़ने गए तो कहाँ लगा, 9 बजे बंद हुआ है ना वो, 9 बजे लगाया। चलिए चलते हैं डे टू डे।
तो नवन्या के स्कूल में क्लास पार्टी होगी छुट्टी वाले दिन, तो वो स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं उनके स्कूल में, तो आएगा ही नोटिस ले जाने के लिए। खीर और दही वड़े ले जाने के लिए बॉक्स लेना है। इस टाइप का लें क्या? उसमें से गिरेगा। हाँ तो ये देखिए 1.99 की है, क्योंकि ये टूटी हुई है ना, कोई कोई डैमेज होगा, सब नहीं होगा, सब है। सॉरी आवाज बहुत आ रही होगी क्योंकि बालकनी खोला है, पावर कट है शाम के 5 बजे तक, और नवनिया भी बालकनी में खेल रहे हैं, लोगों का मन नहीं लग रहा है तो आना जाना कर रहे हैं, गर्मी भी बहुत है तो गेट खोला है बालकनी की, तो आवाज आ रही होगी। अनिमेश बहुत पहले चले गए थे, नवनिया को लाना था, मुझे रुकना था डे टू डे में, इसलिए चले गए थे। तो मैं अभी कुछ सामान लेके आई हूँ, ये भी थोड़ा सामान लेके आया था, जैसे बॉक्सेस वगैरह ना, जैसे मेडिसिन वगैरह या कुछ ऐसा सामान जो फ्रिजाइज हो उसको रखने के लिए ना इसमें लेके जाते हैं। बॉक्सेस है बट किसी का ढक्कन टूट गया, किसी का कुछ हो गया, तो ये लिया है सेट वाला नवन्या के स्कूल में देने के लिए। ये डेट्स वगैरह लिया है, डेट्स चॉकलेट यही सब लिया है, वो जो मैंने आपको बोला ना दही बड़े और खीर लेके जाने हैं तो उसके लिए ये ले लिया है। पहले तो मैं अपने बर्तन में लेके जाती थी, मैं बनाती हूँ उसी में ले जाती थी, अच्छा भी लगता था, बट अभी क्या है ना कि उसी दिन हमारी फ्लाइट है, जाना है क्योंकि होली बच्चों का भी मन है, तो बस जाएंगे और लीड से स्टार्ट हो रहा है उनके घर पे, बच्चे एक्साइटेड है तो बस जाएंगे खेलेंगे थोड़ी देर के लिए और ये सब लेके मैं जाऊंगी और फिर जल्दी से आ जाएंगे, क्योंकि आके फिर कलर वगैरह भी छुड़ाना रहेगा, फिर कपड़े वगैरह डालने रहेंगे मशीन में, वो चीज़ है, और कपड़े अंदर में ही डाल के जाऊंगी ताकि सूख, मतलब अंदर में ही सूखे, और फिर हमारी फ्लाइट है तो जल्दी निकलेंगे हम लोग घर से, इसीलिए तो इसमें लेके जाऊंगी। ये ले लिया है, कुछ चीजें लेके आई हूँ, वो सब बॉक्सिंग वगैरह डेट अनिमेश लेके आ गए थे। मैं क्या लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो होली के लिए मुझे टी शर्ट मिल गया, ये निया के और ये नव का, ये मुझे दो दिख गया, दोनों एक्चुअली निया के साइज का मिल नहीं रहा था, ये मैंने थोड़ा छोटा साइज ही ले लिया, उसको आ जाएगा, नव का तो परफेक्ट साइज मिल गया, इसी साइज में और भी थे बट इस साइज मतलब निया के साइज का नहीं था, निया थोड़ी छोटी है नव से, तो ये और ये मुझे मिल गए दो टी शर्ट नव निया के लिए, और दो मैंने ऐसे पैंट भी ले लिए दोनों के लिए खेलने के लिए, तो ये हो गया। वैसे तो ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं है, बट कुछ ये भी पैंट पहना सकती हूँ, मैं चाहती हूँ दोनों एक जैसे दिखे, इसलिए मैंने दोनों के एक जैसे लिए है, बाकी दूसरे तरह के तो है और भी पैंट्स वगैरह। एक मैंने ये बैग के लिए लगेज कवर लिया है, ये हो गया। एक मैंने अनिमेश के लिए टी शर्ट लिया है, ये तो वो फुल पहनते हैं तो उनके लिए टी शर्ट लिया है। बच्चे वाला तो मुझे ऑफर में मिल गया था, ये ऑफर में नहीं मिला, ये इसका प्राइस ज्यादा है होली खेलने के लिए, व्हाइट मैंने सोचा उनके लिए ले लेती हूँ, मैंने अपने लिए नहीं लिया है कुछ भी, क्योंकि मैं इस बार व्हाइट नहीं पहनूंगी, जो मेरे पास है वही पहन लूंगी, और व्हाइट भी है मेरे पास टी शर्ट, तो देखती हूँ क्या पहनूंगी, तो मुझे अपने लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बार बार मियाँ आना जाना कर रही और ट्राइपॉड हिला दिया उसने, और अनिमेश मुझे विक्स देते रहते हैं बीच बीच में, तो निया के लिए फुटवियर तो ये लिया है, देख लेती हूँ उसको पहना के, मैं लेके आई इसको पहना के तो देखा नहीं मैंने, और एक ये लिया है उसके लिए सैंडल टाइप का, दोनों उसी टाइप के हैं, क्योंकि शूज से ना उसके पैर कट जाते हैं, और बाकी स्पोर्ट्स शूज वगैरह तो है। तो यही शॉपिंग हुई है, अभी जल्दी में मैं भी आ गई, वैसे तो घर पे आके कोई फायदा है नहीं, ना लाइट ना कुछ है, फिर भी एनिमेशन नवनिया को लेके आ गए थे तो इसलिए मैं आ गई जल्दी से। इंडिया जाने में सिर्फ 1-2 दिन बचे हुए हैं और इतना कुछ बचा हुआ, पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है मेरी, और ये लाइट पानी का तो अलग ही खेल चल रहा है यहाँ पे, ये सभी बनाना है, होली के दिन ही जाना है मतलब होली खेलने जिस दिन जाना है उसी दिन निकलना है, तो ये सब है, देख लेती हूँ क्या होता है। तो चलिए फिर गाइज आज की वीडियो यही पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।